रोटरी भवन में सखी क्लब द्वारा तीज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने डांस प्रतियोगिता आयोजित की। इस विषय में जानकारी देते हुए दीक्षा सक्सेना ने बताया कि छोटे बच्चों को अपने टैलेंट को दिखाने का आयोजन करना चाहिए। रिपोर्ट अमरजीत सिंह। ये हमने हमारे आरडीएस मॉर्निंग डांस एकेडमी की तरफ से हमने एक लेडीज क्लब बनाया है, जिसको है सखी लेडीज क्लब। इसमें जो भी हमारी हाउस वाइफ है उनको उनकी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए, जैसा हाउस वाइफ नहीं तो हमने अपना एक लेडीज क्लब बना रखा है, सखी लेडीज क्लब। बरेली की जितनी भी लेडीज है वो उसमें पार्टिसिपेट करें, जिसमें की हमारा पहला इवेंट है ये तीजो का, तीज स्पेशल। अभी तो 25 लेडीज है और बाकी बच्चे हैं। हाँ, ये बात आगे की करवाते हैं। और आज सखी क्लब की तरफ से जो जिसकी ऑर्गेनाइजर मोनिका शर्मा है और राजू सिंह जी है, उनकी तरफ से ये तीज कार्यक्रम हो रहा है, काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसमें मिस बरेली भी चुनी, मिस तीज भी चुनी जाएगी छोटे बच्चों में, और मिसेज तीज क्वीन भी चुनी जाएगी। तो लेडीज और बच्चों दोनों के लेके हम लोग साथ में करा रहे हैं कार्यक्रम, और सभी के लिए प्राइज दिए जाएंगे। मिस और मिसेज तीज क्वीन चुनी जाएंगी, और इसके अलावा गिफ्ट वगैरह सभी लेडीज को दिए जाएंगे। इसमें फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक के बच्चों ने भाग लिया है, और उसके ऊपर लेडीज ने, काफी लेडीज ने भाग लिया। बरेली के बच्चों के लिए यही संदेश है कि आप अगर आपके अंदर कोई प्रतिभा है, कोई टैलेंट है, तो उसको छुपाइए मत। आप अपने पेरेंट्स को बताइए, और उसको अगर आप में लगन है, आप कर सकते हैं, तो उसको बूस्टअप करिए, आगे बढ़िए, तभी आप कुछ बन पाएंगे। मैंने अपने आंखों के सामने मोनिका को खुद ही देखा है, इसने कहाँ से कहाँ ये पहुँची है। तो मैं 9 वर्ष से कि ये आज ये करा रही है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है इसको देख कर। ये ऐसे बच्चे जब आप इनका फैमिली साथ देती है और खुद इनके अंदर मोटिवेशन होता है, तभी कुछ ये लोग लाइफ में बन पाते हैं। तो मैं ये सखी क्लब करा रही है, आरडीएस अकेडमी इनकी डांस अकेडमी भी चलती है।